एक तरफ बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों में से सिर्फ 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। सपा की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर रामगोपाल यादव हैं। अब बाकी की एक सीट पर अपनी दावेदारी मानकर बसपा ने उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन बसपा की इस चाल को ध्वस्त करने के लिए सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज को समर्थन दे दिया। यानी 10 सीटों के लिए मैदान में 11 उम्मीदवार, यानी कि मानकर चलिए कि प्रकाश बजाज के नामांकन से बीएसपी की सीट अब पूरी तरीके से उलझ गई है। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की एंट्री, सपा ने कराया प्रकाश बजाज का नामांकन, बजाज के नामांकन से उलझी बीएसपी की सीट, 10 सीटों के लिए मैदान में 11 प्रत्याशी। रोचक, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, गजब की रणनीति, समझ की रणनीति। कुछ ऐसा यूपी से राज्यसभा की 10वीं सीट को कब्जे में लेने की लड़ाई जारी है। सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज को समर्थन देकर बसपा के जीत वाले भरोसे को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। विपक्ष की तरफ से एका की कोई कोशिश नहीं हुई है, बसपा का प्रत्याशी भी आया तो कोई आपस में सहमति नहीं, अगर उनकी बीजेपी से सहमति हो तो अलग बात है। कांग्रेस के पास 7 विधायक उनके हैं लेकिन 5 उनके कमिटेड हैं, ऐसे ही बसपा के 18 हैं, 18 में से एक तो आ नहीं सकते, वो पंजाब की जेल में है और उनका आना संभव नहीं है। एक विधायक उनके, बल्कि 2 विधायक उनके पहले से बगावत की स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी सपा के जो अतिरिक्त वोट हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, अपना दल के जो विधायक हैं, निर्दलीय जो विधायक हैं, तो उनको लेकर एक चुनावी शतरंज है। और इसके अलावा अगर प्रकाश बजाज के पक्ष में कुछ विधायक मजबूती से इकट्ठा होते हैं या उनको सपा बैकिंग करती है या उनको कांग्रेस बैकिंग देती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि अगर बसपा बीजेपी के साथ जाती दिख रही है तो कांग्रेस तो नहीं खड़ी होगी। दरअसल शुरू से ये माना जा रहा था कि यूपी के सभी 10 सीटों पर विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टियां प्रत्याशी उतारेंगी और निर्विरोध ही चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन नामांकन पत्र जमा करने के आखिरी दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पूरा खेल बदल दिया। निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन पत्र दाखिल करते ही 10 सीटों के लिए अब कुल 11 प्रत्याशी हो गए। कहा जा रहा है कि प्रकाश बजाज समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम समाजवादी पार्टी के लोग खेल बनाने के लिए उतरे हैं, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी अपना पुराने रंग और पुराने रूप में वापस आ सके, तो हमने इसकी पहल कर दी है। एक बहुत अच्छी सी कहावत है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। हमने बहुत लोगों का स्वागत करा है और अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से 2 राज्यसभा की सीट जीतेंगे और इंशाअल्लाह रहमान हमारा खोया हुआ वकार वापस पाएंगे। वैसे इस 11वें प्रत्याशी के सामने आने के बाद बीजेपी और सपा को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बसपा के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में उतरने से मतदान के हालात होने पर दूसरी पार्टियों से विधायकों की संख्या जुटानी होगी। अगर बीजेपी अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं देती